नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, सेलिब्रिटी स्टेटस होना आसान बात नहीं होती और सेलिब्रिटी पब्लिक के प्रति जवाबदेह भी होते हैं। सेलिब्रिटी स्टेटस होकर कुछ कुछ और करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि एक जाने मानी टीवी सीरियल अभिनेत्री ओजस्वी अरोड़ा, वो इन दिनों मुंबई में एक रेस्टोरेंट चला रही है जिसका नाम उन्होंने रखा है सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट। एक्टिंग के साथ रेस्टोरेंट या एक्टिंग छोड़कर रेस्टोरेंट, आइए उनसे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ओजस्वी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, हाउ आर यू? वेरी फाइन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। हमने आपको, आपका सीरियल था हम पांचाल, क्या हाल मिस्टर पांचाल, क्या हाल मिस्टर पांचाल? राइट। लेकिन उसमें आपको हमने खिचड़ी बनाते हुए तो देखा था। अच्छा। लेकिन अब आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, तो इसके बारे में बताइए कि ये क्या रेस्टोरेंट है, कब खोला, कैसा चल रहा है ये? सो हमने जो एक रेस्टोरेंट खोला है वो खोला है मुंबई में, मुंबई के अंधेरी वेस्ट एरिया में। और मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगी, ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है, मुझे सिर्फ खाना खाना आता है। मतलब एक आदमी जो शेफ नहीं है उसने रेस्टोरेंट खोला। ईटिंग फूड, इनफैक्ट मुझसे बेटर अगर कुकिंग में कभी मुझे किचन में जाना पड़े तो मैं, मतलब मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती। अच्छा। क्या करूँ, कैसे करूँ, बट माय हस्बैंड कुक्स रियली वेल। अच्छा। मतलब वो कभी कभी मतलब फैमिली के लिए कुछ स्पेशल बनाते भी हैं कभी कभी, दो वी हैव अ परमानेंट कुक। लेकिन जब कभी कभी बहुत मन करता है तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आज आप ये स्पेशल डिश बना के खिलाओ, ही इज रियली ब्रिलियंट एट कुकिंग। तो आपके परमानेंट कुक तो आपके हस्बैंड हो गए ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, बट ही इज वेरी गुड एट कुकिंग। अच्छा, तो वैसे आपको क्या बनाना आता है अगर मान लीजिए किचन में आपको छोड़ दिया जाए? मुझे सिर्फ उल्लू बनाना मतलब जिस चीज से पेट ना भरे वो ना। स्पेशल खिला दो आज ओजस्वी, तो मैं फिर मैं एक, मुझे सैंडविच बनाना आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो मैगी बना लूंगी या फिर यूट्यूब देख देख के थोड़ा बहुत ट्राई कर लूंगी। मतलब चाय कॉफी बना ले। एंड रिजल्ट की मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ कि एंड रिजल्ट क्या निकलेगा। यानी आपके घर पे तो ना आया जाए फिर? नहीं नहीं, आप मेरे घर पे आइए, क्योंकि आप तो ऐसी चीज को नहीं, तो या तो आप ऐसी चीज खिलाएंगी जिससे पेट नहीं भरेगा, उल्लू बनाएंगी? नहीं नहीं इतना भी नहीं है। हाँ। मतलब मैं अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन आप ऑफ कोर्स आपकी पूरी अच्छे से खातिरदारी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, है तो ये होटल, ये रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कैसे आया? आप तो एक्टिंग में थी ना? मेरे हस्बैंड का आइडिया था और उन्हीं का थॉट प्रोसेस है और सारी मेहनत भी उन्हीं की है। फ्रॉम पिन टू प्लेन वट एवर हैज बीन डन फॉर द रेस्टोरेंट एट द रेस्टोरेंट, उसका कॉन्सेप्ट से लेके उसकी डिजाइनिंग से लेके उसकी फूड मेन्यूज वगैरह सब कुछ जो क्यूरेट करने होते हैं वो सब कुछ मेरे हस्बैंड का ही उसमें, मतलब पूरा आइडिया उनका ही है। बिकॉज इट वॉज फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, दो हिमसेल्फ ही इज एन एक्टर, बट उनको हमेशा एक था कि एक्टिंग के साथ साथ मुझे इस पैशन को, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री पैशन को भी मुझे आगे बढ़ाना है। सो इनफैक्ट कब खोला आपने ये? वी स्टार्टेड दिस वेंचर इन 2019। अच्छा, तो कैसा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है बाय गॉड्स ग्रेस। हालांकि लॉकडाउन में ऑफ कोर्स फूड इंडस्ट्री वाज द मोस्ट हिट इंडस्ट्री, बिकॉज हिट एज इन बैडली हिट बाय द लॉकडाउन, बिकॉज हम लोग सबसे पहले थे जिन्हें बंद कराया गया लॉकडाउन में, और सबसे लास्ट में ही रेस्टोरेंट और रेस्टोबार्स को सबसे लास्ट में ओपन करने की परमिशन मिली थी। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो इन बॉम्बे। नहीं तो ये होम डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट आपको अलाउ नहीं किया गया था? होम डिलीवरी वाज ऑफ कोर्स ऑन, लेकिन हमारा इज अ रेस्टोबार, सो रेस्टोबार का अपना एक अलग चार्म होता है। होम डिलीवरीज हम लोगों के अंडर उतना नहीं, मतलब हम लोगों का जॉनर उतना ज्यादा होम डिलीवरी में नहीं है। इट्स मोर ऑफ अ रेस्टोबार कॉन्सेप्ट, सो पीपल कम देयर, दे हैव देयर, वी हैव, इनफैक्ट वी हैव एवरी डे वी हैव लाइव म्यूजिक, so okay. People love the ambience, and if you ever come to Bombay, please do visit us. You'll see the whole ambience. My husband has made it a very Goa feel ambience. मतलब उसमें dance floor भी है क्या?
डांस फ्लोर हम लोगों ने ऐसा रखा नहीं है स्पेशली, बट वी आर प्लानिंग टू एक्सपैंड, सो उसमें डेफिनेटली वी विल ट्राई इनकॉर्पोरेट डांस फ्लोर कितने ऑल्सो. लोग बैठ सकते हैं एक साथ उसमें, कितना बड़ा है? काफी बड़ा, इट्स या इट्स अराउंड 100-120 सीटिंग का. 120 सीटिंग, या 100-120 पीपल. तो काफी बड़ा होगा। हाँ जी तो 50-60 तो स्टाफ पर्स भी होंगे आपके पास इसके लिए? जी यह स्टाफ भी है ऑफ कोर्स, द सर्विंग स्टाफ इज देयर और द ओके, किचन स्टाफ इज देयर. तो लॉकडाउन में ठंडा रहा तो अब तो बढ़िया चल रहा है ना? हाँ जी हाँ जी, अभी टच वुड एवरीथिंग इज अच्छा परफेक्टली फाइन. अच्छा ओजस्वी, आप तो देखिए खाली खाली उल्लू बनाती हैं, तो रेस्टोरेंट में क्या खासियत होती है, क्या क्या खास बनता है वहां आपके? रेस्टोरेंट का एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी जो रेस्टोरेंट की है वो ये है कि हमारा एम्बियंस बहुत ही यूथ ओरिएंटेड है. इनफैक्ट यूथ भी हो या कोई फैमिली के साथ भी आए, द एम्बियंस इज वेरी नाइस. आई मीन आई माई सेल्फ एट टाइम्स आई फील कि मैं मतलब आई गो इन द इवनिंग, आई सिट देयर, आई चिल, आई रिलैक्स. क्योंकि एक होता है ना, कई बार सिर्फ खाने का मजा सिर्फ वो नहीं होता, जी, आपके आसपास का जो एक एम्बियंस एनवायरनमेंट होता होता है, है बैठना वो कहाँ है, चीज तो भी आपको एक शाम एंजॉय करने के लिए हेल्प करती है. क्या खासियत है तो आपकी? हाँ जी, वो चीज हमने ध्यान मसालेदार रखी है. प्लस ऑफ कोर्स फूड में हम लोग मतलब जितना ऑल इन कर सकते हैं वो चीज करते हैं कि कभी किसी भी गेस्ट को कोई टेस्ट में कोई फर्क ना आए. फ्रॉम डे वन टिल डेट वी हैव मेंटेन्ड द क्वालिटी ऑफ द फूड, द क्या टेस्ट ऑफ द खासियत फूड. किस तरह की है? मसालेदार खाना, साउथ इंडियन खाना, व्हाट एवर, व्हाट इज द? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन एंड इट्स काइंड ऑफ एन अमेलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. फ्यूजन फूड भी है, इंडियन भी है, वी हैव पिज्जाज ऑल्सो, वी हैव मैक्सिकन फूड एज वेल, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, वी हैव अ ह्यूज वेराइटी, चाइनीज, नॉन वेज तंदूरी, एवरीथिंग, वी हैव अ ह्यूज वेराइटी, यू नेम इट, वी हैव इट. ऑल? ओके ओके ओके, तो आप ये बताइए इसका नाम सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट रखने के पीछे क्या कारण था, क्यों नहीं, रखा? इसका नाम सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट नहीं है. सो द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज सेम प्लेस सेम टाइम. लेकिन इसको यस, सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट क्यों कहते हैं ये? सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट इसलिए मे बी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कॉल इट लाइक दैट. क्योंकि कुछ काफी ऑफ कोर्स इट्स इन अंधेरी, इट्स अ वेरी हिप एरिया बिकॉज यहाँ पे अंधेरी में टीवी और आप कह लीजिए कि इस इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों का आना जाना रहता है. सो फ्यू सेलिब्रिटीज दे कीप कमिंग इन. कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो हमारे काफी मतलब रेगुलर्स भी हैं, तो मे बी बिकॉज कभी कोई स्पॉट हो जाता है तो कभी कभी कोई नाम ये डाल देता है कौन सेलिब्रिटी कौन खास रेस्टोरेंट. नाम आ चुके हैं आपके रेस्टोरेंट जैसे हमारे यहाँ पे अदिति शर्मा का जो एक टीवी की अभिनेत्री हैं उनका हम लोगों ने बर्थडे बैश रखा, मतलब हमारे यहीं पे रखाया गया था. देन अ लॉट ऑफ अदर्स, देर आर फ्यू कोरियोग्राफर्स, एक आदिल करके कोरियोग्राफर है, ही कीप्स कमिंग इन. देन मेलविन लुई इज क्वाइट अ रेगुलर एट आवर रेस्टोरेंट, सो फ्यू ऑफ देम दे कीप कमिंग इन. एक्टर एक्ट्रेसेस में से कौन कौन आ चुकी हैं? जैसे शिल्पा सकलानी जो है, अपूर्व हाँ अग्निहोत्री, शिल्पा सकलानी, वो भी अभी ऑफ लेट आए थे. देन हाँ अर्चना टाइडे एंड उनके हस्बैंड आशीष, दे आर ऑल्सो कम. सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन. इनफैक्ट व्हेन वी लॉन्च्ड दिस रेस्टोरेंट, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री दे केम इन, लाइक मोहित सहगल, सनाया रानी, रिद्धि डोगरा, विकास गुप्ता. सो या अ लॉट फिल्म ऑफ वाले भी कभी सॉरी, आए उसमें? फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आए कभी वहां? फिल्म हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस काफी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग आते रहते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के जो हेड्स वगैरह हैं उन लोगों का मतलब आना जाना थोड़ा रहता है. बाकी फिल्म इंडस्ट्री में एज सच अंधेरी साइड में उतना नहीं रहते, वो लोग बांद्रा और टाउन साइड ज्यादा अच्छा ओजस्वी, आपको आप ये स्पॉट कर बताइए, सकते आप हैं. तो खुद एक्ट्रेस हैं और आप तो हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं, हाँ जी आप खाती हैं अपने रेस्टोरेंट में खाना? ऑफ कोर्स, वी हैव द ऑप्शंस ऑफ सैलेड्स ऑल्सो, तंदूरीज ऑल्सो. तो और चीट मील्स के लिए ऑफ कोर्स मैं हर सैटरडे संडे में चली जाती हूँ. तो चीज वीज का खूब अच्छे से चीट मील्स में मैं खा ही लेती हूँ. हाँ अच्छा, सैटरडे संडे को खास इंतजाम है इसके? जी, चीट मील होता है ना, पूरे हफ्ते तो आपने डाइट कर लिया तो एक दिन या 2 दिन तो बनता ही है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बार बताइए, आपने जो सीरियल लास्ट किया वो कौन सा था? वही सो द लास्ट थिंग आई डिड वाज चहल मिस्टर पांचाल, एंड उसके साथ साथ आई वाज डूइंग कॉमेडी सर्कस आल्सो.
अच्छा देन उसके बाद 2019 में मैंने तेरा क्या होगा आलिया किया था। अच्छा, तो अभी एक्टिंग को बाय बाय और रेस्टोरेंट को हाय हाय, या एक्टिंग अभी चलेगी? नहीं, एक्टिंग एक्चुअली अभी चलेगी, लेकिन क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट अप समथिंग थोड़ा आपको इनपुट वहां भी डालना पड़ता है। जी। सो दो इट इज मेजरली माय हस्बैंड्स लाइक यू नो इनिशिएटिव टू स्टार्ट दिस एंटायर थिंग। इनफैक्ट इट्स हिज प्रोजेक्ट, द रेस्टोरेंट इज हिज प्रोजेक्ट, बट एक होता है ना दैट व्हेन ही इज एंटायरली यू नो हॉपिंग ऑन द रेस्टोरेंट थिंग एज वेल एज हिज एक्टिंग प्रोजेक्ट, सो आई जस्ट टेकन अ लिटिल बैक सीट फॉर द टाइम बींग, मतलब कुछ टाइम के लिए जस्ट टेकन अ लिटिल ब्रेक। देन मे बी इन द कमिंग ईयर और सो आई मेक अ बैंग, एक वापस आएंगे बढ़िया शो के साथ। नहीं तो अभी कुछ ऑफर हैं या कब तक शुरू करने का इरादा है एक्टिंग को रिज्यूम अभी दोबारा? तो ऑनेस्टली आई हैवंट इवन थॉट अबाउट गेटिंग बैक टू दैट थिंग। कुछ टाइम के लिए आई स्टिल आई एम ऑन अ ब्रेक, बिकॉज क्या होता है मैं बहुत टाइम से आई वॉज कंटिन्यूअसली वर्किंग, सो आई थिंक यू आर आई गिविंग स्टार्ट फुल माई। टाइम, यू आर फुल टाइम टू रेस्टोरेंट, और क्या क्या मसरूफियात है इसके अलावा, रेस्टोरेंट के अलावा? सो रेस्टोरेंट अभी तो रेस्टोरेंट में ही, बाकी तो बिकॉज मैंने एक्टिंग में अपने बहुत साल दिए हैं अच्छा। सिंस 2009 दैट आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। उसके बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई प्रोजेक्ट, एंड एक्टिंग इज समथिंग स्पेशली इफ यू आर गोइंग फॉर अ टीवी शो, तो आप के लिए ना आपके पास अपने लिए टाइम बहुत मुश्किल से रह जाता है। फुल डे शूटिंग सो होती है उसकी यस भी। इट्स अ हेक्टिक जॉब, तो आपके मतलब हस्बैंड, मेरे लिए। ओजस्वी, आपके हस्बैंड कहाँ कहाँ किस किस सीरियल में काम कर चुके हैं? सो मेरे हस्बैंड ने फर्स्टली जो मेरा पहला शो था उसमें भी वो थे, उसमें उन्होंने मतलब ही वाज आल्सो ही वाज ऑपोजिट मी, कौन सा पहला शो बताइए, एंड जरा उसका नाम बताइए। मेरा पहला शो था बहने, जिसमें वो मेरे ऑपोजिट मतलब कास्ट हुए थे एज जरा दोबारा नाम बट बताइए लाइक शो का, माय लव इंटरेस्ट। शो का नाम दोबारा बहने बताइए। बहने स्टार प्लस, बहने, तो उसमें वो आपके अगेंस्ट थे, हाँ मेरे ऑपोजिट में आपके अपोजिट कलाकार थे ना वो? तो हुई, और वही अच्छा, तो अभी वो कुछ एक्टिंग में कर रहे हैं या वो भी रेस्टोरेंट पे ध्यान लगा के बैठे हैं? 2013, हाँ जी, सो दैट वाज अ शो दैट एक्चुअली ब्रॉट अ ब्यूटीफुल जर्नी इनटू माय लाइफ। अभी आपके हस्बैंड एक्टिंग में हैं या अभी रेस्टोरेंट पे ही पूरा फोकस है वो उनका? दोनों ही चीजों में हॉप कर रहे हैं। तो सो अभी तो वो कौन सा सीरियल कर रहे हैं? अभी वो ये शो कर रहे थे, ये है चाहते हैं ऑन स्टार प्लस। अच्छा। तो आप लोग उस पर भी गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कुछ करने का इरादा है आगे? ओटीटी का अभी ज्यादा कुछ खास सोचा नहीं है, बट या मे बी इन द कमिंग वट एवर टाइम लेट्स सी वॉट यू नो हाउ लाइफ अनफोल्ड्स एंड वॉट प्रोजेक्ट्स डू वी गेट इन फ्यूचर। सो मे बी इफ अच्छा, यू गेट समथिंग नाइस देन वील थिंक अबाउट और इट। जैसे एक बार बताइए, आजकल तो जो बिग बॉस, आपने आगे क्या सोचा है? अब फ्यूचर में क्या एक्टिंग में रहेंगी, क्या करेंगी, फिल्मों में जाने का इरादा? वॉट एवर लाइफ फिल्म के लिए आई एम नॉट वेरी मच इन टू फिल्म, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, ये क्लियर है, ये आई क्लियर है। प्रेफर टीवी, दो इट्स वेरी हेक्टिक, इट बट इज आई वेरी प्रेफर क्लियर के यू विल बी इनटू टीवी ओनली प्लेटफॉर्म इनटू ऑल्सो। टीवी, ओनली इनटू टीवी और ओटीटी विच इज काइंड ऑफ ऑन दैट सोफिस्टिकेटेड नोट। आई मीन ऑफ कोर्स आई गोइंग टू गेट इन आपको काफी साल हो गए, कंफर्टेबल विद आपको दैट। काफी साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो अभी आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, हाँ अब जी आपको काफी साल हो गए टीवी इंडस्ट्री में, अभी आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, कहीं प्रोडक्शन हाउस तो नहीं खोलने का दिया इरादा? आपको प्रोडक्शन हाउस खोलने का इरादा तो नहीं है तो कहीं? काम कहते हैं हम, एक रेस्टोरेंट तो चल ही रहा है, प्रोडक्शन अच्छा, एक बार बताइए, कभी मन में आता है कि बिग बॉस, इस बार जो बिग बॉस चल रहा है 16 सीजन, हाँ जी उसमें तो टीवी सीरियल इंडस्ट्री के काफी लोग हैं, आपका भी कोई फ्रेंड है उसमें? आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं बिग बॉस बिल्कुल नहीं देखती हूँ। अच्छा, नहीं तो लोगों की बड़ी तमन्ना होती है कि बिग बॉस में जाने की। आई नो बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है ना, मैं देखती हूँ बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लव्स पीस, मुझे अच्छा, शांति पसंद है, और वहाँ एक भी एपिसोड में शांति नहीं होती है। तो मतलब आप वहां जाना नहीं चाहती? नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट अ बिग बॉस पर्सन एट ऑल, ना मैं देख सकती हूँ ना मैं उसका पार्ट बन पाऊंगी कभी, मैं तो दो ओके दिन में रोते रोते बाहर आ जाऊंगी। तो मतलब बड़ी आप सेंसिटिव नेचर की लगती हैं। परफेक्टली फाइन, आपने अच्छा ओजस्वी, आपने हमें समय दिया और पूरी जानकारी बताई और आगे क्या करना चाहती हूँ बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी आपकी आवाज कट रही है।
आपने हमें टाइम निकाल के अपने बारे में बताया, अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच. इट वॉज वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू और यू. थैंक सेम हेयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। तो दोस्तों, यू. ये थी ओजस्वी अरोड़ा, जो टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी कलाकारा हैं और अब सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट अंधेरी के वेस्ट में चला रही हैं, और दोबारा से फिर एक बार दूसरी पारी शुरू करने के लिए वो तैयार हैं कुछ समय बाद। और इसके लिए nabhatimes.com उनको शुभकामनाएं देता है। थैंक यू. अगले किसी कार्यक्रम में किसी और सेलिब्रिटी के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।